हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा भोपाल से आप सभी का माय लिटिल टेरेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बारिश के सीज़न में तो फूल बिल्कुल गार्डन में बहुत खूबसूरत फूल भी खिलते हैं और प्लांट्स भी बहुत खुश रहते हैं। ये देखिए चंपा के फ्लावर, ये चंपा से गिरे हैं तो बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत फ्लावर भी खिलते हैं और सभी पौधों की रंगत ही बदल जाती है, एकदम बारिश को इंजॉय करते हैं सभी प्लांट। ये देखिए हिबिस्कस भी कितने सुंदर और बड़े बड़े खिले हैं, तो सब प्लांट्स की एकदम रंगत बदल जाती है, सभी प्लांट बहुत ही खुश रहते हैं। सभी हम सभी के बगीचे में सभी प्लांट बहुत खुश रहते हैं और उन सुंदर सुंदर प्यारे फूलों को देख के हम सब गार्डनर भी बहुत खुश हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये सावन का महीना है, ये नीलकंठ या पराजिता या विष्णुकांता जो कि शिव जी का सबसे पसंदीदा प्यारा फ्लावर है। और देखिए कितने सारे खिले हुए हैं हमारे गार्डन में, ये देखिए बहुत सारे खिले हुए हैं और इसमें दो कलर, एक तो वाइट और ब्लू। इस वाले प्लांटर में जो एक पॉली बैग में लगा हुआ है, दोनों ही कलर है, तो ये डबल पेटल का है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। सभी प्लांट्स बहुत खुश हैं। ये देखिए अजवाइन का पत्ता का प्लांट, इंडियन बोरिज, जो कि कितना खूबसूरत लग रहा है। सभी पत्तियाँ बहुत अच्छे, मतलब फूल के प्लांट्स और शो प्लांट्स सभी बहुत खुश है। तो आज हम आप सभी से बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट शेयर कर रहे हैं। ये देखिए एकलिपा का प्लांट है, जिसकी पत्तियाँ देखिए कितनी खूबसूरत है। तो ये डार्क कलर, मैरून सा कलर है, लेकिन अभी देखिए बारिश के कारण सा कलर की रंगत थोड़ी सी चेंज हो गई है, नहीं तो पूरा एकदम रेडिश सा कलर है, मैरून सा कलर है इसका। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, हार्डी प्लांट है, इजी टू केयर है, इजी टू ग्रो है, इजी टू प्रोपोगेट है। तो आज हम आप सभी से इसी प्लांट का के बारे में कुछ बातें शेयर करेंगे कि हमने इस प्लांट को कैसे लगाया है और इसकी केयर कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, इस प्लांट की बात ही कुछ और है, बहुत ही हार्डी खूबसूरत प्लांट है। ये प्लांट पार्क में, रोड के किनारे, हर जगह देखने को मिलता है, लेकिन वो सब प्लांट दोस्तों ज़मीन में लगे रहते हैं जो कि सारा दिन की धूप को भी बर्दाश्त कर लेते हैं। बस इनको गीली मिट्टी चाहिए और ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन चूंकि हम सब गमले में मतलब करते हैं, गार्डनिंग करते हैं, छोटी सी जगह बालकनी गार्डनिंग या टेरिस गार्डनिंग करते हैं, गमले में प्लांट्स लगाते हैं, तो उन सब प्लांट्स की थोड़ी केयर करनी पड़ती है। तो देखिए इसकी पत्तियाँ इतनी खूबसूरत है और जब पूरी, और ये प्लांट ऐसा प्लांट है जो कि कम से कम आधे दिन की धूप मतलब चल जाता है, आधे दिन की धूप इस प्लांट को ज़रूर चाहिए गमले के प्लांट्स को, और अगर ज़मीन में हो तो पूरे दिन की धूप को भी ये प्लांट अच्छे से टॉलरेट कर लेता है। पूरे दिन की धूप भी इस प्लांट को पसंद आती है, बस मिट्टी गीली हो, बस और कुछ नहीं, और थोड़ी सी खाद मिले तो बहुत अच्छा है, और ना मिले तो भी कोई बात नहीं है। प्लांट बहुत अच्छा एकदम फलता फूलता है और बहुत अच्छी बढ़त होती है, लेकिन गमले में थोड़ा हम सभी को थोड़ा केयर करना पड़ता है। तो ये प्लांट तो हम फ्रेंड्स, जब हम ये प्लांट लाए थे, इस प्लांट को हमने कटिंग लगाई, ये देखिए यहाँ से, ये देखिए इतना छोटा सा फ्रेंड्स, इस प्लांट को हमने कटिंग से तैयार किया है। सर्दी के सीज़न में हम एक छोटा सा कटिंग ही लाए थे, देखिए इतना छोटा सा, ये देखिए इतना छोटा सा कटिंग हम लाए थे, तो उसके साइड से ये देखिए तीन ब्रांचेस निकली हैं। तो सर्दी में निकली थी और चूँकि सर्दी का सीज़न भी था, 15 दिन के अंदर ही इसमें नई नई पत्ती आने लगी थी, तो सर्दी का सीज़न था, तो देखिए इसकी पत्तियाँ कितनी छोटी छोटी थी। और सर्दी गर्मी और इस प्लांट की बढ़त दोस्तों गर्मी से शुरू होती है, सर्दी में बहुत ज़्यादा सर्दी के सीज़न में मतलब थोड़ा रेस्टिंग पीरियड रहता है, जैसे जैसे गर्मी का सीज़न आने लगता है इसकी नई नई पत्ती आने लगती है। तो धीरे धीरे जब गर्मी का सीज़न आया तो देखिए उसमें नई नई अच्छी अच्छी पत्ती आने लगी है, और उसके बाद अभी तो बारिश का सीज़न जब आ गया है, तो एक हफ्ते से हमारे यहाँ बारिश हो रही है, एक हफ्ते क्या 10-15 दिन से, तो देखिए एकदम पत्तियों का साइज़ और बड़ा हो गया है, पत्तियाँ बहुत खूबसूरत हो गई, लेकिन इस प्लांट की पत्तियों का कलर चेंज हो गया है, क्योंकि अभी धूप नहीं मिल रही इस प्लांट को, इसलिए पत्ती थोड़ी ग्रीनिश में है, लेकिन ऐसे में इस प्लांट की पत्तियाँ थोड़ी मैरून सी होती है, रेडिश कलर सा होता है, जो कि बहुत खूबसूरत लगता है और गार्डन में अच्छा लगता है, थोड़ा सा अनकॉमन सा कलर है। तो इसको तो मतलब कटिंग से बहुत आसानी से उगा सकते हैं, तो हमने इस प्लांट को कटिंग से उगाया है, तो अभी हम इस प्लांट को रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये प्लांट देखिए छोटे से इसमें लगा हुआ है, इसमें देखिए ये स्वीट पोटैटो वाइन भी हमने लगा के रखा था, इसकी कटिंग,
तभी हम इस प्लांट को रिपोर्ट करेंगे। तो रिपोर्ट करने के लिए देखिए दोस्तों, हमेशा एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा खाद, थोड़ी सी नीम की खली डालते हैं और थोड़ा फंगिसाइड पाउडर। तो हमने वैसी पॉटिंग में तैयार किया, लेकिन इसमें खाद की मात्रा थोड़ी कम डाली है हमने, क्योंकि अभी बारिश का सीज़न है तो बारिश के बाद तो खाद डालना ही है, इसलिए खाद की मात्रा थोड़ी कम भी डाल सकते हैं। तो अभी हम इस प्लांट को निकाल के रिपोर्ट करेंगे। ये देखिए छोटा सा इसमें लगा हुआ है, छोटा सा एक ऐसी टोकरी सी है, उसमें हमने लगा के रखा था। और देखिए ये जड़ भी दिख रही है उसकी, बहुत जल्दी एकदम उसमें जड़ आ जाती है। अभी भी बारिश का सीज़न है तो इसकी छोटी से छोटी कटिंग लेकर आप लगाएंगे तो लग जाएगा। बस जब भी कटिंग ले तो जैसे ये नोड एरिया है, ये लीफ है, लीफ ये नोड एरिया होता है, उसका थोड़ा नीचे इस जगह से कट करके कम से कम यहाँ तक मिट्टी में लगा दे। तो ये नोड एरिया से रूटिंग हार्मोन निकलते हैं, और अभी तो बारिश के पानी में भी बहुत अच्छा रूटिंग हार्मोन होता है, और इस प्लांट से भी रूटिंग हार्मोन निकलता है। ये नोड एरिया से ही जड़ें निकलती हैं, क्योंकि वहाँ पे रूट एरिया है, वहाँ से रूट निकलते हैं। तो बस इतना सा ऐसे करके मिट्टी में लगा देंगे, और थोड़ा सा तिरछा काटना है, हर कटिंग को हमेशा तिरछा काटा जाता है जिससे कि ज़्यादा स्पेस रहता है रूट के लिए। बस फिर उसको लगा देना है। तब ये इस प्लांट को रिपोर्ट कर रहे हैं दोस्त, इसमें से निकाल के हम इसमें लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हम निकाल रहे हैं इस प्लांट को, थोड़ा सावधानी से निकालना है, तो हम निकाल लेते फिर आपसे शेयर कर रहे हैं। फ्रेंड्स देखिए, इस प्लांट को हमने निकाल दिया है, इसमें देखिए बहुत सारी जड़ आई हुई है। ये देखिए कितनी सारी जड़ आ गई है, बस इस प्लांट को अभी लगाना है। ये देखिए इसमें हमने मिट्टी तैयार कर लिया है, बस अभी हमें इस प्लांट को लगाना है। फ्रेंड्स बस ये प्लांट्स को अभी बिठा दिया है हमने, अच्छे से इसको लगा दिया है। बस अभी इसमें थोड़ी सी ऊपर अच्छे से मिट्टी डालनी है हमें, अच्छे से मिट्टी डाल के इस प्लांट को बस रखना है, बारिश में रखना है। एक दो दिन बारिश लगातार, अगर 5-6 दिन बारिश हो तो थोड़ा सा हमें शेडी जगह पर रखना है, क्योंकि अभी अभी हमने इस प्लांट को रिपोर्ट किया है, तो 1-2 दिन की बारिश तो चल जाएगी, लेकिन ऐसे जगह पर रखना है जहाँ पर कि थोड़ी सी प्लांट मतलब हिले नहीं, क्योंकि बहुत तेज़ बौछार आएगी तो प्लांट हिल जाए तो जड़ों को नुकसान होगा। तो अभी तो हल्की फुल्की बारिश हो रही है, तो हम बारिश में रखेंगे, तो कल फिर इसको हम शेडी जगह पे रख देंगे। तो देखिए कितना खूबसूरत प्लांट है, और इस प्लांट का ध्यान रखें कि गमला हमेशा मिट्टी का गमला या सीमेंट का गमला हो। तो ये सीमेंट का गमला है, क्योंकि अगर प्लास्टिक के गमले में रखेंगे तो ये प्लांट इतना ज़्यादा खुश नहीं रहेगा, क्योंकि ये प्लांट पूरे दिन की धूप या आधे दिन की धूप को बर्दाश्त पसंद करता है, और ज़्यादा धूप होने से फिर प्लास्टिक का गमला जो है वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है, तो प्लांट्स के इसकी बहुत अच्छी जड़ें निकलती है, तो जड़ों को थोड़ा सा नुकसान पहुंचता है। इसलिए कोशिश करें कि मिट्टी या फिर ये इस टाइप के गमले में लगाए, जो कि सीमेंटेड गमला है, तो ऐसे गमले में लगाए इस प्लांट को, तो ये प्लांट ज़्यादा खुश रहेगा। और बहुत तेज़ गर्मी के सीज़न में थोड़ा नेट के नीचे रखें, नहीं तो फिर थोड़े से लीव्स को बर्न होने का डर रहता है। बस इतना ही देखभाल है, और इतना हार्डी, इतना खूबसूरत, इतना अच्छा प्लांट है कि बिगिनर के लिए बहुत अच्छा प्लांट है। बस आधे दिन ऐसे जगह पे रखे जहाँ आधे दिन की धूप आए, बस लगा के रख दे। और इसका वेरिएशन इतना अच्छा, इसके फूल भी देखिए कितने अच्छे लगते हैं, और इसमें ग्रीन कलर भी आते हैं, और थोड़े से पत्तियाँ मुड़ी मुड़ी रहती है, उस टाइप की वैरायटी भी आती है। सभी वैरायटी बहुत अच्छी है, गार्डन में एक अलग सा कलर भी जोड़ता है, और बहुत हार्डी प्लांट है, ज़्यादा देखभाल भी नहीं करना पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, नए तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।